लंढौरा बबाल को शायद अब कुछ और ताकतें रोकने नहीं देना चाहती, क्योंकि लंढौरा बबाल को हुए लगभग 2 सप्ताह का समय बीत चुका है और स्थिति लगभग सामान्य होती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते माहौल को पूरी तरह से संभाल लिया गया है, लेकिन विवादों पर रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दल बबाल को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहते। साथ ही अब हिंदू स्वाभिमान और हिंदू संत समाज ने मिलकर ईद के दिन धर्म संसद करने का ऐलान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अब हिंदुओं को रहने नहीं दिया जा रहा, जो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतना शर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदू समाज को अपनी जनसंख्या कम नहीं होने देना चाहिए। हिंदू महिलाओं को दर्जनों बच्चे पैदा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे काटना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक तुष्टिकरण का जिम्मेदारी है और हिंदू जिस तरीके से हर घटना पर मौन रह जाता है, कहीं ना कहीं हिंदू खुद भी जिम्मेदार है। हर घटना का अब प्रतिकार करना आवश्यक है। ठीक है, हम लोग ईद के दिन हमारे धर्माचार्यों ने धर्म संसद का ऐलान किया है। मैं हिंदू स्वाभिमान से हूँ। हिंदू स्वाभिमान बहुत बहुत साधुवाद देता है महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी को और नरसिंहानंद सरस्वती जी को कि उन्होंने धर्म हिंदू के विषय में कुछ सोचने का प्रयास किया है, और हिंदू स्वाभिमान हर संभव तरीके से वहां पहुंचेगा और धर्म संसद का आयोजन कराएगा। जब वो देखेंगे कि उनके धर्म पर और उन पर आपत्ति है, आज अस्तित्व की लड़ाई है, आज अपनी अपनी बहन बेटियों की लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि हर महिला को ये मानना, ये समझ लेना चाहिए कि वो जब तक अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएगी तब तक उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, ये परिवार की लड़ाई है। वहीं हरिद्वार से पहुंचे हिंदू धर्म गुरु विवेकानंद का कहना है कि ईद के दिन लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर तमाम हिंदू संगठन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के महल पहुंचेंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। इस हिंदू महापंचायत ने निर्णय लिया जाएगा कि विश्व भर में ये जो आतंकवादी घटना हो रही है, जिसमें चाहे लंढौरा हो, चाहे किराना हो, चाहे फ्रांस हो, सब जगह चाहे अमेरिका हो, इस सबके विरुद्ध क्या रणनीति अपनाई जाए, इसके विषय में निर्णय लिया। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।